गुरु महाराज जी की निक्की गोद का आनंद माण रही गुरु प्यारी साध संगत जी, ओ गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ओ अज आपां सारे जुड़ बैठे हाँ उस दुखांत नूं चेते करन वास्ते, उस कल्लूकारे नूं चेते करन वास्ते जिस दुखांत ने पूरी सिख मानसिकता नूं झंझोड़ के रख दिता, जिस दुखांत ने सिख कौम नूं ये सोचण लई मजबूर कर दिता कि जिस मुल्क वास्ते सिख कौम ने इन्नियां कुरबानियां कीतियां, कुरबानियां करके जिहड़ा मुल्क प्राप्त होया उस मुल्क की इज्जत आबरू बचाउण वास्ते सिख कौम ने अपनियां कुरबानियां कीतियां, उसकी आर्थिकता नूं उपर चुकण लई सिख कौम ने बहुत मेहनत की, उन्हां नूं सोचण लई मजबूर कर दिता कि हुण सिख दे कौम दे कोल किहड़ा रस्ता बचिया है। यह इहो जिहा एक घल्लूकारा सी जिहड़ा अकै अते असह सी सिख कौम वास्ते। अज उस घल्लूकारे की तीवीं वरेगंढ जो असी मनाउण जा रहे हैं, इस साल 30 साल हो जाने हैं उस घल्लूकारे नूं, ते अज वो एहो जे डूंगे जख्म सानू उस घल्लूकारे तो मिले कि 30 साल का एक समा बीत जाण तो बाद भी सिख कौम दे मनो अते दिल दे विचों मानसिकता चों वो दर्द गया नहीं अज तक। अज इस समागम नूं मनाउंदिआं होइआं साढ़े कोल सिख चैनल यूके जिहड़ा चैनल अज तो 4 साल पहला इंग्लैंड दे विच शुरू होया सी और जिस चैनल ने सिख कौम नूं एक बहुत बड़ा योगदान दिता हर पक्षों, उस सत्कारयोग मीडिया दे साढ़े कोल डॉक्टर साधु सिंह जी ते भाई बलजिंदर सिंह जी ते उन्हां दी सत्कारयोग टीम साढ़े विच दरमियान है अज इस प्रोग्राम नूं कवर करन दे लई। ते नाल ही साढ़े कोल पहुंचे हुए हैं साढ़े सिख कौम के बहुत बड़े विद्वान चिंतक जिन्होंने सिख कौम नूं बहुत वडमुला खजाना खोज करके सिख कौम के सामने लिया है, डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदूके जिहड़े एक बहुत बड़े इतिहासकार चिंतक हैं जिन्हों तुसी इत्थे गुरद्वारा साहब पहला भी सुनिया हन। अज साढ़े लई बड़ी माण वाली गल है कि अज के समागम विच भी वो साढ़े दरम्यान मौजूद हैं, ते अज दे समागम दे विच उन्हां वलों ही इस दुखांत उपर एक विस्थार पूर्वक हर पक्ष तों खोज करके बहुत वडमुली जानकारी एक किताब दे रूप विच ओह अज तुहाडी सारी संगत दी सेवा दे विच हाजिर करन जा रहे हन। किताब दा नां है जून 1984 तीजा घल्लूकारा। उस किताब दी अज घुंड चुकाई गुरु महाराज जी की हाजरी विच, तुहाडी समूह साध संगत जी की पवित्र हाजरी दे विच अज ओह किताब की घुंड चुकाई इत्थे साढ़े गुरद्वारा साहब विखे होएगी, जिहड़ी साढ़े वास्ते बहुत वड्डी माण वाली गल है। मैं प्रोग्राम नूं अगे तोरदिआं होइआं मैं सब तो पहला साढ़े कोलन दे बहुत ही सत्कारयोग साढ़े बजुर्ग प्रोफेसर तरलोक सिंह जी हुणी जिन्हां ने इस दुखांत दे उपर बहुत, उन्हां ने भी बहुत खोज कीती है, बहुत ही विद्वक साढ़े विच इंसान हन जिहड़े हर पक्षों साडा उन्हीं हमेशा साडा इत्थे साथ दित्ता है। मैं उस सत्कारयोग प्रोफेसर तरलोक सिंह जी उन्हां नूं बेनती करदा हाँ कि वह 3 मिनट वास्ते स्टेज के उपर आउण ते जो उन्होंने इस किताब के विच जो उन्होंने इसनों पढ़िया है उस बारे अपने विचार आप जी दे नाल सांझे करनगे। मैं बेनती करदा हाँ प्रोफेसर तरलोक सिंह जी उन्हां नूं कि वह स्टेज के उपर आउण। प्रोफेसर साहब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, मैं वीर जी का और आप जी का बड़ा धन्यवाद करता हाँ। तो गल शुरू करन तो पहला आप जी फतेह की सांझ करता हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े कोल प्रेस डॉक्टर साहब आए ने, इन्होंने बड़ी खोज करके ये पुस्तक लिखी है 1984 तीजा घल्लूकारा। इस दे विच दुखांत अते चिंतन
दो चीज़ा है जिसनों इन्होंने डिस्कस किया है और करे तो सामने अपने ख्याल देंगे। इस पुस्तक में उन्होंने बैकग्राउंड दिती है एक घल्लूघारा क्यों होया है और इसनों घल्लूघारा भी असी क्यों मनांगे और इस घल्लूघारे दियां उन्होंने जिहड़ी सब तो वधिया गल आ होर भी लोगों ने कई लेख लिखे आ जे इहदे विच इन्होंने गवाहियां लिख के लियांदियां ने जिन्हां लोगों के नाल सच्ची सारा कुछ होया है उन्होंने उन्होंने बयान विच दित्ते ने और उस तो बाद जो असल विच उत्थे घमसान का युद्ध होया है और इन्हें साबित करने की कोशिश की है कि खालसा जी सिखां नूं सारयां नूं सानूं हौसला दिता है कि इस जंग दे विच खालसा जित के अपनी प्राप्ति की है फतेह प्राप्त की है और ये ना समझो कि इन्ने थोड़े जे सिंह जिहड़े आ उह शहीद हो गए वह सारे जने शहीद हो गए ये सिखां दी प्राप्ति है और जिहड़ी गल उस टाइम की जालम सरकार एक डिकटेटर सरकार जिहड़ी चाहुंदी सी उहनां दी उह पूरी नहीं हुई क्योंकि किसी ने ईनता नहीं मनी किसी ने हथियार छड़ के भज के नहीं आए भी लो जी मैनू रख लो जी मेरी जान बख्शी कर लो अपने धर्म स्थान के उपर जी सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट थान आ उन्हों जाने कि उन्होंने डिफेंड किया है उसकी रक्षा की है तो उन्होंने दस दिता है भी खालसा अजे भी जीवंदा है और इस गल तो बाद कहते ने भी बड़े जुल्म होए आ सानू भी इतने पता है बड़े जुल्म होए आ पंजाब दे विच सिखां ने वो जुल्म सहे ने जिहड़े कि सानू पुराने वक्तां दे विच मुगलां दे अफगानां दे हत्थों सानू सहने पए ओह जिहा जुल्म अज दे टाइम दे विच होए आ ते उहदे नाल बहुत सारे लोकां दे उत्ते सरकारी उस सरकारी प्रोपोगंडा होया जिहदे विचों कोई कोई लोग साडे भी थड़कन लग पए जां मन्नन लग पए भी इह किद्दां गल होणी आ। बाकी मैं उस गल नूं इंपोर्टेंस नहीं दिंदा कि साडी कौम दे विचों गदार किन्ने निकले ये तो गदार जिहड़े हैगे आ वैसे ही निकल जांदे हुंदे कोई अपने पैसे दे लालच नूं कोई अपनी गद्दी दे लालच नूं कोई अपनी टौर दी लालच नूं लोग इदां दे निकल आउंदे आ पर गल स्पिरिट दी गल आ साडी सिख कौम अज भी उस हिसाब दे विच एकता च आ। पर डाक्टर साहब ने एक गल खास कीती है उह सानूं दस्सणगे कि हुण असीं की करना है क्योंकि जिंदगी तो चलती रहती है किन्ना भी घल्लूघारा होए जे दुश्मन समझते सीगे कि सिख धर्म का असी नाश कर दिता है उहदे विचों नाकामयाब होए ने तो इस वास्ते मैं तुहानूं गल दसदा इहदे विच खुशी वाली गल भी है चढ़दी कला वाली गल भी है कि सिखां दे विच हुण बजुर्ग हो चुके लोग भी और सियाणे लोग भी सारी थां दे उपर चिंतन करन लग पए ने और चिंतन करके विचार करके सारयां नूं गां आपां वध सकदे आ। इह इन्नी कु गल दे विच मैं इंट्रोडक्शन दे के अपने इस लैक्चर नूं बंद करदा क्योंकि मेरे मित्रां ने इही कहा सीगा उत्थे जाके प्रोफेसरां वर्गी गल ना करी जाई तो क्योंकि बाद च पता नहीं लगना किहड़ी गल कहनी सी किहड़ी गल नहीं कहनी सी तो इस वास्ते मैं हुण बेनती करदा कि डाक्टर साहब आप आउणगे ते आप अपनी किताब दे बारे सारा कुछ दस्सणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ ये सन साढ़े सत्कारयोग प्रोफेसर त्रिलोक सिंह जी जिन्होंने अपने वडमुले विचार इस किताब के बारे जो उन्होंने इस किताब को पढ़िया स्टडी किया उसका जो सारांश सी आप जी के सामने उन्होंने हाज अपने सांझ पाई है आप जी के नाल। गुरु प्यारी साध संगत जीओ तुसी सारी संगत बहुत ही सत्कारयोग हो बहुत ही वडभागी हो थोड़ी संगत दे विच ही ओ वीर ओ मेरिया भैणा सत्कारयोग बैठियां हन जिन्हां ने इस घल्लूघारे दे विच बहुत बड़ा हिस्सा पाया बहुत तशद्दद सिया सरकार दा और इन्ना कुछ तशद्दद सहने तो बावजूद भी अज ओ मेरे वीर मेरे वड्डे वीर मेरिया सत्कारयोग भैणा उसी तरह चढ़दी कला दे नाल उस संघर्ष दे विच जुड़ियां हुई इस घल्लूघारे दे दर्द नूं जो इस घल्लूघारे तो बाद कौम ने इकट्ठे होके अपना रस्ता चुनिया उस निशाने की पूर्ति वास्ते अज भी वह मेरे सत्कारयोग वीर दृढ़ता दे नाल उस चीज़ के उपर पहरा दे रहे हैं। तुसी सारे मेरी सारे जिन्हें भी अज संगत रूपी अज इस गुरद्वारा साहब के दीवान विच बैठे हो तुसी बहुत ही सत्कारयोग हो। होर ज़्यादा समा ना लेंदे होया मैं हुण बेनती करदा हाँ
अपने सत्कारयोग वीर डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदो को हुणा नूं कि वह स्टेज के उपर आउण। डॉक्टर साहब आप समूह साध संगत जी के नाल 45 मिनट वास्ते रूबरू होणगे अपने वडबुल्ले विचारां दे नाल। आओ असी सारे एकजुट होके एक शांत होके अपां डॉक्टर साहब के विचारां दे नाल उहनां दे सरवण करिए उहनां दे विचारां नूं। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरवरे कायनात मुजस्माए आबे हयात, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मुकद्दस गोद दे विच जुड़ बैठे अजीज हाजरीन, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए। गज के आख्यो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे ख्याल दे नाल जिस तरह वीर जी जतिंदर वीर सिंह भी कह के गए ने, प्रोफेसर साहब ने भी तुहाडे नाल कुछ मिनटां लई विचार सांझे कीते ने। एक किताब दरअसल कह सकते हो कि मेरी नहीं है, मैं तो कौम के दर्द नूं चित्रिया है, ये मेरे उपर नहीं वापरिया। क्योंकि दरअसल जेकर असी इस दर्द का चित्रण नहीं करांगे तो आने वाली जिहड़ी भविख की पीढ़ी है उहदे तक इस दर्द की जिहड़ी कसक है जिहड़ी चसक है वह नहीं जाएगी। ये मेरे उपर वापरिया नहीं है, पर मैनूं इंज महसूस होया कि जिन्हां दे उपर वापरिया है जे किते इह शब्द समें दी धूड़ दे विच दब के रह गए तां साडी आउण वाली पीढ़ी दे कोल इतिहास दा इह हिस्सा नहीं होवेगा। मैं सिख चैनल दे उपर भी असीं जनरल जोरावर सिंह दी डाकूमेंट्री नूं रिलीज़ कीता, इस किताब नूं उत्थे भी रिलीज़ कीता जा सकता सी, पर मैं चाहुंदा सी कि मरकज़ भी वह चुनिया जाए, केंद्र भी वह चुनिया जाए जिथे रिलीज़ किया जाए कि जिथे बहुगिणती संगत दे विच उन्हां लोकां दी है जिन्होंने सचमुच इस दर्द नूं अपने पिंडे ते हंडाया। क्योंकि इस मरकज़ दे विच जदों असीं भविख की पीढ़ी का चिंतन करना है तो साडा सारिआं दा फर्ज बन जाता है कि अज दे समें दे विच जिहड़ियां साडियां स्टेट पॉलिसीज़ ने उन्हां नूं समझना पवेगा। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े शॉर्ट नोटिस के थोड़े समय के तकरीबन सारी किताब का अध्ययन किया, अंडरलाइन किया, और मेरा निशाना भी यही सी इस किताब के उपर। मैं फिर कहना एक किताब मेरी नहीं, निशाना यही सी कि कौम के दर्द को चित्रया जाए कि इस दर्द के कारण की सी, वापरिया किवें, इनू डिफाइन किवें करिए, संत जरनैल सिंह की शख्सियत किवें दी सी। उस तो बाद समुचे घल्लूघारे दे विच असी फतेहयाब होए जां फिर असी हारे हैं। मैं एक गल दावे नाल कह सकदा हां, सिर्फ एक नुकता निगाह ते जेकर असी ध्यान दे लईए फतेहयाबी वल, जंग दे विच्चों हमेशा सिधांत पैदा हुंदा है। ते मैं एक गल दावे नाल कहिंदा हां, मेरे तो वड्डे तुसी सारे बजुर्ग वीर भी बैठे ने, जेकर जून 84 दा एक घल्लूघारा ना वापरदा ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਪਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਚਿਤਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਇਸ ਪੈਟੀਗਰੂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
पर वो नाल ही कहिंदी उस कौम दे विच जिथे सरदारी ते गदारी दा अंश बिल्कुल बराबर होवे इतों भी असीं इनकार नहीं कर सकते। पर जिहड़ियां सब तो पहली गल के डिफाइन किवें कीता जावे, अज 30 साल होण वाले ने ते मेरे ख्याल दे नाल जिन्ने कु असीं बैठे हाँ मैनू कदी भी अपने किसी भी विख्यान के दौरान यह नहीं हुंदा कि मैनू सुनने वाले किन्ने ने, क्योंकि जिस प्रतिक्रिया जां प्रतिरोध दे विच मैं विख्याना नू शुरू कीता है ना उन्हां लोकां दी पॉलिसी साडे तो बड़ी वक्री है। असीं 10,000 भी कितें इकट्ठे हो जाइए पर 10,000 दे विचों एक बंदा भी विचार लैके ना जाइए तो उहदा की लाभ है? उहदे तो बेहतर नहीं असीं 10 इकट्ठे होइए तो 5 जणे किसी विचार ते चर्चा करके जाइए। वेखणी ते आउटपुट है ना, असीं RSS दी गल करदे हां, तुसीं हैरान होवोगे कि इत्थे अज इकट्ठे होना सी क्योंकि शनिवार का दिन है, ऐतवार असीं सारिआं ने आ जाणा है, शनिवार का दिन तो सारिआं नूं इकट्ठे करन दे वास्ते फोन भी करने पए, ईमेल भी करनी पई, TV दे उपर ऐड भी चली, क्यों कि असीं कुछ जाने तां इकट्ठे हो के 30 सालां ते जिहड़ा कौम ने संताप हंडाया उसका चिंतन कर सकीए। तुसीं हैरान होवोगे कि RSS वाले हिंदुस्तान दे विच रोजाना 39,301 जगह ते इकट्ठे होंदे ने रोज़, कल्ले पंजाब दे विच उन्हां दी रोजाना मीटिंगां दी गिणती 772 है, रोजाना 772 जगह ते वो रोज़ इकट्ठे होंदे ने, रोज़ नवा मुद्दा हुंदा है, रोज़ नवे मुद्दे ते चर्चा कीती जांदी है ते रोज़ उसका चिंतन किया जाता है। अजे साडे विच वो कल्चर वो सभ्याचार जन्म नहीं लै सकिया ते सच जाणिओ ये साडा सी, ये जिहड़ी विचारधारा है ना इकट्ठे होना ते चिंतन करना किसी मुद्दे दे उपर ये साडा सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कहा जब लग दुनिया रहीए नानक किश सुणीए किश कहीए, ये ते साडा सी ते सच जाणिओ फिर असीं अणजाण किन्ने आ। मैं भी उहनां दे विच आ, मैनूं ये ना समझो कि मैं कोई ज़्यादा विद्वान हाँ, बिल्कुल मैं भी उस श्रेणी च आउंदा क्योंकि तुसीं संघर्ष के दरिया के विचों दी लंघे हो तो मैं कंढे ते बह के भी नहीं वेख्या, ये असलीयत है। मैं अगे भी भाई साहब नाल गल हो रही सी कि मेरे तो बहुत ज़्यादा आस नहीं रखी जा सकती क्योंकि मैं इस संघर्ष के संताप नूं नहीं हंडाया, तो जिन्हां ने हंडाया है सच जाणिओ कई बार उन्हां कोल बयान करन दे वास्ते शब्द भी मुक जांदे ने, कई परिवारां दे नाल गल छिड़दी है ना तो उन्हां दी अखां दे विच हंझू ही इन्ने ने कि शब्द मुक जांदे ने क्योंकि उन्होंने उन्हूं हंडाया है। पर साडी समस्या कित्थे है कि 30 सालां दे विच असीं इस समुचे घल्लूघारे नूं डिफाइन नहीं कर सके, एक नाम नहीं दे सके। ते जे असीं अपने पुरातन विरसे वल वेखीए 1675 दे विच गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुंदी है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज डिफाइन करते इन्हां नूं तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बडो कलू मैं साका, साधन हेत इत जिन करी सीस दिया पर सी ना उचरी, इत जिन करी इत्थों तक कर दित्ती कीता की साका। गुरु पातशाह ने डिफाइन कर दिता कि वह जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है वह साका है, नामकरण कर दिता, उहदी परिभाषा दे दित्ती। तो साका वापरदा कदों है? जदों तुसीं इस नूं फारसी के पिछे चले जाओगे तो फैज लिखता है जे जान तो आनी जानी है इस जा की तो कोई बात नहीं, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। चार चीज़ा जदों इकट्ठियां हुंदियां ने, फारसी के चार शब्द ने कतल कातल मकतल और मकतूल। कतल करन दी किरिया, कातल जिहड़ा करदा है, मकतल जिस जगह ते कीता जांदा ते मकतूल जिसका कतल कीता जांदा जिथे कोई हथियारबंद विरोध नहीं वह है साका। ते सच जाणियो 30 सालां दे विच असीं ये नहीं डिफाइन कर सके कि 84 च होया की है, सब तो वड्डा सवाल जिहड़ा साडे सामने सी। कदी असीं कह दिंदे साका नीला तारा, कदी असीं कह दिंदे घल्लूघारा नीला तारा, कदी असीं कहिंदे ऑपरेशन ब्लू स्टार, कदी असीं कहिंदे कारवाई नीला तारा, कदी असीं कह दिंदे आ कि सिख कतलेआम 1984 जून दा है कि 30 सालां च डिफाइन नहीं कर सकी साडी कौम। ते सच जाणियो साढ़े पुरातन विरसे नूं पढ़ के वेखियो दसम पातशाह ने साके नूं डिफाइन कर दिता ते साढ़े 18वीं सदी के विद्वानों ने घल्लूघारे नूं डिफाइन कर दिता। आ जिहड़े अंग्रेजी के होलोकास्ट शब्द ने बाद च आए ने, सिखां ने घल्लूघारा नामकरण नूं पहला जन्म दिता। ते घल्लूघारे की परिभाषा की है? असीं कहा कि साढ़े उपर दो घल्लूघारे वापरे ने, पहला घल्लूघारा जिसनों छोटा घल्लूघारा कह जाता है, फिर वड्डा घल्लूघारा, ये तीजा घल्लूघारा।
उहदी डेफिनेशन है कि जदों कौम दा एक अंश हथियारबंद हो के अपने कौमी हक्कां लई लड़दा है उस समुचे अंश नूं खत्म करन दी आड़ दे विच आम निर्दोष लोकां दा वी कतल कर दिता जांदा है। यह है घल्लूघारा। तो जून 84 च ही कुछ होया। हरिमंदर साहब दे विच जो कुछ वापरिया है जिहड़े लड़न वाले सूरमे सी संत जरनैल सिंह दी अगवाई दे विच जां होर जथेबंदियां दी उहनां दी गिणती तां सैकड़ियां च वी नहीं बणदी पर हजारां दी गिणती दे विच जिहड़ा संगत दा जिहड़ी गुरु पंचम पातशाह दा शहीदी पुरब मनाउण वास्ते आई सी उहदा कतलेआम इस समुचे वरतारे नूं घल्लूघारे दे दायरे च लै आउंदा। इसे करके पहली गल तां असीं इस गल नूं डिफाइन करिए कि इह कौम दी हिक दे उपर वापरिया घल्लूघर है। जिन्ना चिर असीं शब्दावली नूं उच्चे अर्थ ते शब्द नहीं देवांगे उन्ना चिर बार बार जदों असीं ऑपरेशन शब्द की वरतों करांगे। मैं अक्सर वेख दिंदा कई वारी स्टेजां तों साडे सिख वीर कह दिंदे ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, इह साडा शब्द नहीं है। 18वीं सदी दे विच जदों भी मुसलमान सानू कतल करन वास्ते आउंदे सी ते धार्मिक तौर ते उह जिहड़ा नारा दिंदे सी उहनूं कहा जांदा सी जहाद। जहाद का भाव सी कि धर्म नूं खतरा है, धार्मिक तौर पर एकत्र होवो ते उहदे करके गैर तनखाहीए लोग उस जहाद च शामिल हो जाते सी ते जिहड़े साडा कतलेआम करदे सी। सिखां ने कदी इह शब्द वरत्या जी जहाद दे विच इन्ने सिख मारे गए? हुंदा तां साडे खिलाफ जहाद सी ना। इस्लामी लोग तां इस्लामी शासक तां इही करके आउंदे सी ना कि जहाद च जा रहे काफरां नूं कुचलण वास्ते जा रहे हैं। 18वीं सदी तों लै के अज तक एक भी स्रोत इवें दा नहीं मिलेगा तुहानूं जिहदे च किसे सिख विद्वान ने लिखा होवे कि जहाद दे विच इन्ने सिख मारे गए, क्योंकि वह उन्हां दी टर्मीनोलॉजी है, साडी नहीं। ऑपरेशन सरकार दी टर्मीनोलॉजी है। ऑपरेशन दा मिलटरी जिहड़ी है फौजी ताकत है उहदे विच अर्थ है कि जां तां किसे देश दे हिस्से नूं कब्जा करके अपने अधीन कर लेना ते जां वख कर देना। मैडिकल दे विच वी इही है, किसी नकारा अंग नूं ऑपरेशन करके जां ते दुरुस्त कर देना जां कट के वख कर देना। इस करके ऑपरेशन ब्लू स्टार तां साडी शब्दावली नहीं सी, इह साडी शब्दावली दा हिस्सा बन गया और बहुत किताबां दे विच इन्ना ज़्यादा लिख दिता। 1984 दे इस घल्लूघारे दे बारे हुण तक कोई 130-131 किताबां प्रकाशित होईयां ने जिन्हां च किसी ना किसी रूप च इस घल्लूघारे दा जिक्र है और ज़्यादा दे विच ऑपरेशन ब्लू स्टार लिखिया गया, कितने साका नीला तारा लिखा गया, कितने कतलेआम नीला तारा लिखा गया। सो पहली गल तो यह सी क्योंकि इतने जथेबंदियों संबंधित वीर बैठे हो और मेरे ख्याल दे नाल ये गल्लां मते पा के करन वालियां ने कि असीं इहदा नामकरण करना है कि तीजा घल्लूघर है कि साडियां स्टेजां दे उपर साडे मंचां दे उपर जदों भी बुला रहे ने बोलना है ये साडी कौम दे उपर वापरिया तीजा घल्लूघर है। सो पहली गल तो डिफाइन नहीं किया। दूजी गल सी कि संसार दीयां जिहड़ियां विश्वव्यापी पद्धर दीयां पॉलिसियां ने उहदे विच साडा नज़रिया की होवे। अज बेशक ब्रह्मनिस्टिक नेचर है, तीन तरह के फिनामने दुनिया से चल रहे हैं। एक नूं असीं टर्किश फिनामना कहिंदे आ, एक वाइट हाउस फिनामना है, एक ब्रह्मनिस्टिक फिनामना है। तीन तरीके ने जिहड़े कौमां नूं खत्म करन दे वास्ते वरते जांदे ने। जिहड़ी गुरु अर्जन साहब की शहादत है ना टर्किश फिनामना है, क्योंकि टर्किश फिनामना है कि जिथों आवाज़ उठती है ना उस केंद्र नूं खत्म कर दो, जिस देह चों आवाज़ आ रही है ना उस देह नूं भन देवो। इस करके जहांगीर जो तुजके जहांगीरी च पंचम पातशाह नूं शहीद करन दा हुक्म दिंदा ना वह कहिंदा दुकाने बातल, झूठ की दुकान। पर कहिंदा इस झूठ की दुकान का खतरा पता की है, उत्थे सच की आवाज़ इन्नी बुलंद है कि कतल करदम सियासत बाबा यासा रसानंद, इहदे नाल मेरी राजसी सत्ता नूं खतरा है। ये सच इन्ना बुलंद है। ये टर्किश फिनामना है कि जिथों सच की आवाज़ आ रही है उस देह नूं खत्म कर दो। वाइट हाउस फिनामना वो की है कि वह जिथों आवाज़ आ रही है उस आवाज़ वाले आर्थिक स्रोत खत्म कर दो। अफगानिस्तान जो कुछ हो रहा है ये वाइट हाउस फिनामना है। तीजा आ जाता ब्रह्मनिस्टिक नेचर, ब्राह्मणीकरण। वह फिनामना की है उस आवाज़ में ही बदल दो। अज साड़ी आवाज़ बदली जा रही और सासी वो आ जिन्हां दे उपर तिन्ने ही चीज़ां वरतियां जा रही ने। पहली गल तो यह जिस मरकज़ चो आवाज़ आ रही सी उस मरकज़ नूं अड़ाउणा, जिथों आज़ादी की गल होवे उस मरकज़ नूं तोड़ देना, वह चाहे देश दे विच होए चाहे विदेश दे विच होए उस मरकज़ नूं तोड़ना। फिर उस मरकज़ के साधन तोड़ने,
जिसनों असी चाणक्या नीति भी कह दें। जो चाणक्य कहता है कि धनिक शत्रु राजा नदी वैद अस्त पंचम पंचम यत्रना विदते तत्र दिवस वसेतम, कि जिथों आवाज आ रही है ना जिहड़ा केंद्र है उहदियां पंज चीज़ां तोड़ दो, उहदे कोल पाणी ना रहे, उहदे कोल इंसाफ ना रहे, उहदे कोल फौज च भर्ती ना रहे, उहदे कोल विद्यक सहूलतां ना रहन, उहदे कोल डाक्टरी सहूलतां ना रहन। यह है वाइट हाउस फिनोमेना जिहदे पिछे कितें ना कितें चाणक्य नीति खड़ी है कि जिहड़ा केंद्र आवाज़ उठाउंदा आजादी की उहदा आला दुआला तोड़ दो। ते तीसरा है ब्रह्मलिस्टिक फिनोमेना, वह कहिंदा मात शत्रु पिता वैरी यैन बालिक ना पठत ना सोभते सभा मदते हंस मदते बको जथा। वह कहिंदा कि जिहड़ी आवाज़ आ रही है ना उस आवाज़ नूं ही बदल दो। असी सोचते ना कि आर एस एस का मुखी हर वारी आके कह दिंदा पंजाब विच सिख हिंदू धर्म का हिस्सा ने, हर वारी कहिंदा। पहली वारी उहने कहा साडा रिएक्शन बहुत वड्डा सी, असी बड़े मजारे किए, नहीं जी सिख वक्री कौम आ, सिक्स आर नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिंदू सोसायटी, वी आर ए सैपरेट नेशन। दूजी बार उन्हें फिर किया, थोड़ा जा साडा जोश घट गया। तीजी वारी फिर किया, चौथी वारी फिर किया, पंजवीं वारी फिर किया, हुण उन्हें नौवीं वारी कह दिता असी चुप। असी जर्मन च रह रहे हैं ना, हिटलर का एक प्रोपेगेंडा सैकटरी सी जोसफ गोबेल्स, तुसीं गोबेल्स नूं पढ़ो, कहिंदा कि 100 वारी बोलिया झूठ जिहड़ा है ना अखीर सच हो जाता है। असी क्यों नहीं इस पॉलिसी नूं समझ रहे? लगातार 9 सालों तो यह बयान आ रहे हैं सिख हिंदू धर्म का हिस्सा, उन्हां दा प्रतिकरम वधदा जा रहा, साडा प्रतिक्रिया घटदी 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 जा रही है, किसी दिन खत्म हो जाणी। क्यों? क्योंकि आवाज़ नूं बदलिया जा रहा है। इत्थे चाणक्य कहिंदा मात शत्रु पिता वैरी यैन बालक ना पठत, कहिंदा जिथों आजादी की आवाज़ आ रही है ना उस आवाज़ नूं बदल दो। ये हुण आवाज़ बदली जा रही है साडी, हुण जो कुछ होया जा रहा ना ये हुण बौद्धिक हमले ने, हुण सानूं शरीरक तौर पर तंग नहीं किया जाता, हुण साडी आवाज़ बदली जाती है। मैं भी हिंदुस्तान जाना उत्थे रहिंदा, साडियां आवाज़ां बदलियां ने। तुसीं वेखो कि साडा कितें ना कितें असीं कह सकते हैं कि असीं एक बड़े एक शुगर कोटड शब्दां च गल करते हैं, सिद्धांत की भी गल करनी हो उन्हां च मैं भी आ जाना। तुसीं कुछ भी गिण लो, वकाऊ माल गिण लो, कुछ भी समझ लो, सारे असी आ जाने हैं, क्योंकि आवाज़ हौली हौली बदलती जा रही है। जिहड़ी आवाज़ के खिलाफ प्रतिक्रम पैदा होना चाहिए सी वह प्रतिक्रम पैदा नहीं हो रहा। 9 सालों के तुसीं वेख लिया कि पहला जदों रज्जू भैया जिहड़ा आर एस एस का मुखी सी जदों उन्हें कहा सी सिख हिंदू धर्म का हिस्से हाँ, साडा उदों प्रतिक्रम की सी ते साडा एक महीना पहला प्रतिक्रम की है। उस प्रतिक्रम का अंदाजा ला लो कि आवाज़ कितनी बदल गई। इहनूं कहिंदे ने ब्रह्मनिस्टिक फिनोमेना, और यह सब तो ज़्यादा खतरनाक है। सब तो ज़्यादा खतरनाक है जदों चेतनता की आवाज़ जिहड़ी है वह बदल जाती है। माफ करना, इहदे पिछे जिहड़ा साडा इतिहास खड़ा है इस घल्लूघर दे पिछे उहनूं समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चेतनता की आवाज़ सी जिहड़ी इन्नी वड्डी लहर बन गई कि उहने छोटे छोटे नाले नदियां अपने विच ही समा ले। जदों 1978 दे विच अमृतसर दे विच विसाखी दे दिहाड़े ते भाई फौजा सिंह होणा दीआं ते नाल दे सिंघां दीआं शहादतां होईआं ने, उह कोई हथियारबंद संघर्ष नहीं सी, उह तां शांतमई सी ना। कादे करके सी कि जिहड़ी आवाज़ साडी आवाज़ नूं बदल रही है असी उह आवाज़ बर्दाश्त नहीं करदे। अज असी बर्दाश्त करना सिख लिया। वैसे उह आवाज़ की सी? उह आवाज़ इह सी कि अवतार बाणी दे विच नरकधारी गुरबचना कह रहा सीगा, राम कृष्ण ते नानक वर्गे रब दा भेद ना पा सके, जिन्ने भी हो गुजरे अज तक इहदा पा ना था सके। यही गल्लां सी ना, क्योंकि साडी विचारधारा नूं वंगारिया जा रहा सी। जिथे पंज प्यारां दी विचारधारक परंपरा सी उत्थे उहने कह रहा सीगा कि मैं 7 सितारे साजणे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बराबर चंदवा ला के बैठदा सी। सो ये उन्हें आवाज़ को बदलने की कोशिश की, तो भाई फौजा सिंह का प्रतिक्रम जिहड़ा है भावें वह शांतमई है, उस शहादत ने संघर्ष को जन्म दिता। उस शहादत के विचों संघर्ष पैदा होया, क्योंकि प्रतिक्रम तो है ना, अज प्रतिक्रम भी मुकता जा रहा। उस तो बाद जे असी आनंदपुर साहब के मते की गल करते हैं तो सच जाने किन्ने असी जिन्हां ने पढ़िया, मैं जाण बुझ के भावें कोई बड़ा पुराना डाकूमेंट है मैं इस किताब च दिता है, सानूं इह ते पता लगे कि आनंदपुर साहब का मता है कि ते मैं एक गल दावे नाल कहिंदा कि सारा आनंदपुर साहब का मता किसी भी पंजाब के गैर सिख हिंदू नूं पढ़ा दिओ वह खुद कहेगा तुहाडी मंग जायज़ सी, असी पढ़ा ही नहीं सके। साडी आवाज़ बदल दित्ती गई, असी उह नहीं पढ़ा सके।
जे पंजाब दी किसानी नूं पानी वध मिलदा है तां उत्थों दी उपज दे उपर आड़ती वर्ग किहड़ा बैठा है, जे पंजाब नूं बिजली वध मिलदी है तां उत्थे उद्योग लाउण वाला वर्ग किहड़ा बैठा है, जेकर पंजाब दे उद्योग नूं टैक्स माफ कीता जांदा है तो उत्थे इंडस्ट्रियल वर्ग किहड़ा है। किसान तां महा किसानी कर सकदे ने। सो इन्ना वड्डा धक्का कीता गया, वह धक्का सीगा जिन्हों असी वाइट हाउस फिनामना भी कह सकते, स्रोतों नूं तोड़ना। दुनिया दे विच अज तक पानी दे जिन्ने भी समझौते हुए ने, जां बेसिन ला है जां एंटी बेसिन ला है जां रिपेरियन ला है, पहला एक पंजाब है दुनिया दे विच जिस दे स्रोतों नूं, जल दे स्रोतों नूं बाकी सूबिआं नूं दिता जा रहा है। तो मेरे ख्याल दे नाल 1955 तो जिन्ना पानी राजस्थान नूं पंजाब दा दिता जा रहा है, जेकर असी 1955 का रेट लाइए एक पैसा पर गैलन, तो अज हज़ारां ही डालर का वह करजाई है साडा, पर करजा पंजाब दे सिर चाड़िया गया। उस तो बाद 78 दे साके तो बाद जिहड़ी चेतनता जन्म लैंदी है वह है संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवालिआं दी, उस संघर्ष दे विच भूमिका। इत्थे एक सवाल जन्म लैंदा है कि आनंदपुर साहब का मता इस संघर्ष की पिट भूमि है, तो भाई फौजा सिंह की शांतमई शहादत इहदी विचारधारा है। इन्हां दोवां चीज़ां नूं नखेड़ के नहीं वेख सकते, इन्हां नूं असीं बिल्कुल संघर्ष दे विच्चों नखेड़ के नहीं वेख सकते, क्योंकि यह वेखण नूं छोटियां हुंदियां ने गल्लां, पर यह गल्लां संघर्ष का रूप रेखा ते मार्ग तय करदियां ने। आनंदपुर साहब का मता सानूं नहीं भी पता की है, पर सानूं सारिआं नूं इह तां पता ना कि संघर्ष के पिछे आनंदपुर साहब का मता है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह लाहौर के बादशाह का बास जिहड़ा है छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब का शाही बास उसनू जमीन पर सुट दिंदा, सिख फड़ के लै आउंदे ने पातशाह के सामने रख दिंदे ने, ते जो बादशाह के अहलकारां नू पता लगता है कि उडाया होया शाही बास जिहड़ा सी वह सिखां दे गुरु ने जिथे अज खालसा कॉलेज अमृतसर है उत्थे सुट लिया, तो वह अपने अहलकार अपने सिपाही भेजते ने बाज वापस कर देवो, तो जिहड़े साडे वर्गे ढिल्लड़ जी किस्म के सिख सी ना वह भी पातशाह नूं कहिंदे पातशाह बाज वापस कर दी है, क्योंकि वह बाज नूं एक पंछी के रूप च वेख रहे ने। पातशाह बाज वापस कर दी है, तो गुरु पातशाह का जवाब की है, तिनते बाज नहीं अब देना अब ताज राज तिनते सब लेना। गल बाज की नहीं है, गल तो आजादी की विचारधारा की है कि बाज आजादी का प्रतीक है, तुसी तो बाज की गल करते हो, मेरी नज़र तो ताज ते राज ते है, तो जे अज बाज दे दिता तो ताज ते विचार की जिहड़ी बाज की विचारधारा उहदे च दब के रह जाएगी। आनंदपुर साहब के मते ने इस समुचे प्रकरण के बाज की भूमिका निभाई है। जे असी इस समुचे विहार का अध्ययन करिए ना जिहड़ा वर्तारा वापरिया, तो आनंदपुर साहब का मता एक बाज की भूमिका निभा गया, क्योंकि असी पॉजिटिव जाना, बड़िया नैगेटिव गल्लां प्रचार करते हैं, मारे गए लुट्टे गए पथ ना कुछ नहीं, चेतनता ने जन्म लिया है, असी इस फतेह जाब होए हैं, असी इस समुचे घल्लूघारे चो जंग जित के निकले हैं, वह असी अगे जिक्र करते हैं। सो आनंदपुर साहब का जिहड़ा मता है उन्हें कौम के इस चेतनता पैदा किया है कि संघर्ष का मुढ़ बनया, तो हुण कुछ वीर कह देंदे ने जे लड़ना ही सी तो संत जरनैल सिंह अकाल तख्त साहब नूं क्यों चुनिया, तो हुण वेखना पवेगा कि अकाल तख्त साहब है कि। जदों 1609 दे विच कुछ स्रोत 1606 की गल करते हैं, 1609 दे विच जदों श्री अकाल तख्त साहब नूं प्रगट किया जाता है मीरी ते पीरी के सिधांत के रूप के विच, ते उदों ढाडी नाथ मल ते अब्दुल्ला एक वार पढ़ते हैं, वो कहिंदे ने दो तलवारी बद्धियां एक मीर दी एक पीर दी एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी गरे वजीर दी हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा बलख बकीर दी, नाल सिपाही नील नाल मार दुष्टा करे ता कीर दी पग तेरी की जहांगीर दी। एक अध्ययन है तुलनात्मक अध्ययन है कि दिल्ली के बादशाह की जिहड़ी पग है वह गुरु पातशाह दे अगे की अहमियत रखती है, सो जंग तो उदण ही शुरू होगी ना। जिस दिन अकाल तख्त साहब संसार दे विच प्रगट हो गया उसने प्रगट तौर पर अलानिया जंग कर दिता, क्योंकि वह समा सी जदों कोई नगारा नहीं सी वजा सकता पातशाह ने वजाया, जदों कोई घोड़सवारी नहीं सी कर सकता पातशाह ने की,
जो कोई एक तलवार नहीं सी पहन सकता पातशाह ने मीरी ते पीरी दियां दो पहनियां, जो कोई कलगी नहीं सी लगा सकता गुरु पातशाह ने लगाई, जो कोई तखत ते नहीं सी बैठ सकता गुरु पातशाह ने भगती दे केंद्र दे सामने शक्ति दा केंद्र तख्त स्थापित कर दिता अकाल तख्त। ते हुण सच जाणियो कई वीरां दे मन च जदों इह शंका आउंदी है कि जेकर संत जरनैल सिंह इस मरकज़ नूं ना चुणदे ते हरिमंदर साहब दे उपर एक लुकारा ना वापरदा, तां पहला जवाब तां इह है कि जिन्ना होर 37 गुरद्वारिआं ते हमले होए ने की उत्थे संत जरनैल सिंह सी। गल उत्थे संत जरनैल सिंह दी नहीं है, गल है कि मीरी ते पीरी दे मरकज़ नूं चुकाउणा, गल है दो तख्तां दी जंग, दो विचारधारां दी जंग। एक तख्त वह है जो मजलूमां दा घाण करके अपनी राजसत्ता चाहुंदा है, दूजा तख्त वह है जिहदी शरण दे विच कोई ब्राह्मण भी आ जावे ते उहदी बच्ची नूं कसूर दे नवाब दे कोलों बचाउण दे वास्ते 53 सिख शहीदियां दिंदे ने। एक तख्त मनुखी आजादी दा विचारधारक केंद्र है, दूजा मनुखता दे घाण दा केंद्र है। यह जंग हमेशा जारी रहेगी। यह ठीक है फेज चों लंघ रहे हैं, जंग दे विच कई पड़ा हुंदे ने, कई शांतमई वाला पड़ा हुंदा, किते तुहाडा प्रोपेगेशन दा पड़ा हुंदा, किते मैदाने जंग च जूझण दा पड़ा हुंदा, पर इह विचारधारक जंग है, इहनूं खतम नहीं कर सकदे तुसीं। इह कुदरती असूल है, इह जंग हमेशा नेकी और बदी दी, चाहे राम ते रावण दे रूप च होवे जां औरंगजेब ते दसम पातशाह दे रूप च होवे, इह हमेशा जारी रहेगी। इहनूं मिथासक पात्रां च गिण लवो, इहनूं इतिहास दे दायरे च वेख लो, जिथे भी मनुखता दा घाण होवेगा उत्थे गुरु नानक साहब दी विचारधारा मनुखता दे वास्ते हमेशा खड़ी होवेगी। इस विचारधारा कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हुण दूजी गल कि इहनूं चुणिया क्यों, यह भी तो एक सवाल पैदा हुंदा है। जे तो संत जरनैल सिंह उस जगह नूं छड्ड के निकल जाते फिर तो किसी ना किसी हद तक किसी का यह शिकवा जायज है। तो जिथे निशाना मनुख का हो कि मैं शहादत देनी है, तुसीं उहनां दे अक्सर व्याख्यान सुने ने, उन्हां दे व्याख्यानां दे विच अक्सर एक धारना होया करदी सी सिर दित्तिआं बाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिआं बाज नहीं रहना। यह अज वर्गी धारना नहीं है, धारनावां तां अज भी बाबे पढ़ी जांदे आ। मैं कच्ची बाणी दे खिलाफ हाँ, मैं कहिंदा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी सच्ची बाणी का कीर्तन ही किया जाए, धारना अज भी पढ़ी जाएंगे। लंघना जे यार दी गली सिर धर के तली दे उत्ते आ जाए, जे रोकीए ना भी तुसीं आह पढ़ लो हाँ भी जो तो प्रेम खिलण का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। संत जरनैल सिंह भी तो धारना लाउंदा हुंदा सी, पर वह धारना संकल्प सी, वह संकल्प जिन्हों गुरु पातशाह ने कहा सगल तुम्हारी धारना, किसी संकल्प को हिरदे च वसा लेना। संत जरनैल सिंह का वह संकल्प सी, वह कि कच्चे बाणी की धारना नहीं सी, वह अंदरों पैदा होया वह संकल्प सी जिहड़ा कह रहा सी धर्म सिर दित्तिआं बाज नहीं रहना। तो सच जाणियो जदों किसी ने मेथी लिया कि मैं शहीदी देनी है तो वह हमेशा शहीदी देने दे वास्ते उस मरकज़ की चोण करेगा। जे कोई आत्मक पुरश है जिथों दोबारा मीरी ते पीरी दे संकल्प नूं रूपमान किया जा सके, जिथों कौम दे विच चेतनता पैदा की जा सके, ये शहादत महिता चौंक सिख भी हो सकती सी, घेरा उत्थे भी पै सकता सी, लड़ाई उत्थे भी होनी सी। जां ते तां ना कि हरिमंदर साहब दे विच उन्हां ने मोर्चाबंदी की, जां फिर उहदे नाल सरकार ते कोई असर पिया कि उन्हां ने कोई ताकत नहीं वरती। उस वेले दे भारतीय हुकूमत दे सब तो वड्डे स्क्वैश हेडशैल ते कार्ल गुस्टाव रॉकेट जिहड़े सी उह तां वरत ले, वह जिथे भी हुंदा लड़ाई उवें ही होनी सी। वो है कि जिहड़ा आत्मक पुरख है वह चुनेगा कि किस जगह के उपर शहीदी दिती जाए कि कौम च चेतनता पैदा की जा सके, ते वो केवल तो केवल मरकज़ श्री अकाल तख्त साहब है जिथों धर्म ते राजनीति की चेतनता जिहड़ी कौम दे विच प्रगट की जा सकती है। सो इस करके उस जगह नूं ही चुनिया जा सकता सी। मदा किते किसी दीआं गल्लां च असीं आ जा करिए जी उत्थे शायद मोर्चाबंदी ना हुंदी ना हुंदा, नहीं, जिथे नहीं मोर्चाबंदी सी कौमी अद्धा कांड उत्थे भी होया। जे किते होर जगह ते हुंदा जंग तां भी हुंदा, पर गल सी कौम दे च राज सी चेतनता नूं पैदा करना, वह श्री अकाल तख्त साहब तो ही कीती जा सकती सी। जे होर असीं अगे चलीए वह दूसरी गल सी अगे संपरदायकता ते विचारशीलता जिहदी अज घाट है साडे च, सब तो वड्डी घाट यह लगती है कि जिहड़ियां संपरदायी प्रणालियां ने उहनां दे विच ते चिंतन वर्ग दे विच इक पाड़ा पैदा हो चुका, और यही सब तो वध नुकसानदेह। संपरदायी प्रणालियां चाहे वह साडी दमदमी टकसाल है, चाहे साडा अखंड कीर्तनी जथा है, जां साडे कई डेरेवारी संत ने, उन्होंने किसी ना किसी रूप च सीना बसीना आउंदियां चलदियां परंपरावां नूं संभालिया सी। दूजे पासे चिंतनशील वर्ग सी, जिहड़े नौजवान सी, जिहड़े इंटलैक्ट सी। संत जरनैल सिंह दे वेले की सी, मैं अक्सर जदों संत जरनैल सिंह नूं ते सरदार कपूर सिंह नूं एक मंजी ते बैठे वेखदा ना,
तो उदों मैनूं लगता है कि सचमुच यह है कौम का म्यार जिथे इंटलैक्ट ते सीना बसीना चलती परंपरा एक थां बैठी है जिन्ना चिर यह इकट्ठी नहीं होगी संघर्ष नूं तुसीं अगे नहीं लैके जा सकते। जिन्ना चिर चिंतन अते संपर्दा जिहड़ियां साडियां पुराणियां ने जिन्ना चिर इकट्ठियां होकर नहीं चलनगे अज जिन्ना भी साडा जोर है माफ करना 80% जोर लिखण दा ते स्टेजा ते साडा बोलण दा केवल एक दूजे की निंदा तक सीमित है। फलानी जथेबंदी च आ ब्राह्मणवादी हो रहा दूजे कह रहे हैं कि यह बिल्कुल मिशनरी बन गए ने तर्कवादी बन गए ने। दरअसल गल है मिल के चलण की जे सांझा निशाना एक हो जे निशाना एक हो फिर साडे च किते कोई है ही नहीं। हुण तुसीं उत्थे वेखो कि उत्थे फैडरेशन दे पढ़े लिखे नौजवान वीर भी उत्थे संपर्दावां चों आए भी उत्थे निहंग सिंह जथेबंदियां भी उत्थे कार सेवा वाले बाबे भी सारे लड़ रहे हैं। जिन्ना चिर तक यह चिंतन नहीं पैदा होगा ना कि संघर्ष के दौरान कोई जिन्ना क भार चुक सकता है उन्ना क चुकाया जाए असी अक्सर बहुत ज़्यादा भार की आस से ले चले जाने भी शायद एक मनुख ही सब कुछ करेगा। वो जी लीडरशिप होंगी ना संत जरनैल सिंह वर्गी कि एक मनुख ही चेतनता पैदा कर देगा वो लीडर कोई साढ़े कैंपा चो नहीं पैदा होंगे किसी बच्चों के कैंप लाइए या पैदा हो जाएंगे। वह तो जिस तरह एक शायर लिखता है ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदावर पैदा। योजे आगू तो कुदरत बख्शती है ये पैदा नहीं किए जा सकते कि असी बच्चों का गुरमत ट्रेनिंग कैंप ला लीए यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप ला लीए उस आगू निकल आएंगे नहीं इवें नहीं निकलते। ये जड़े आगू होंगे ने एक कुदरत वालों रहन बा कौम को बख्शे जाते हैं। यह गल वक्री है कि कौम उस मार्ग से किन्ना क तुरदी है ये कौम ने सोचना होंगे। उस तो अगे दूजा है सरकारी धक्केशाही जिड़ी तीसरी उत्थे सब तो स्ट्रोंग धिर है जिन्हों असी कह सकते हैं कि द रियल हीरो ऑफ फोर्टिफिकेशन जनरल शबेग सिंह। जनरल शबेग सिंह की जिहड़ी भूमिका जेकर अज के समय असी चिंतन अज के समय भी करना है जनरल शबेग सिंह हुणां नूं रिटायरमेंट तो एक दिन पहला फौज चों कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दे के कढ़िया जांदा रिटायरमेंट तो एक दिन पहला। कारण बेइज्जती करनी। क्यों? क्योंकि इन्ना काबिल सिख जरनैल है कितें उच्च अहुदे ते ना पहुंच जावे। उह जरनैल जिसने बंगलादेश दे विच मुक्तिबानी फौज नूं ट्रेनिंग दित्ती जगजीत सिंह अरोड़ा की अगवाई दे विच ते दुनिया के इतिहास के विच ये पहली घटना है जदों किसी देश के जरनैल के अगे 90,000 फौज ने आत्म समर्पण किया हो पैरों च हथियार रख के। अंग्रेजों ने जो सारे पासे कब्जा कर लिया ना तो सरदार चेत सिंह हुणां दी अगवाई च कुछ सिखां नूं आत्म समर्पण करना पिया सी तां उह रोंदे सी उह कहिंदे सी हथियार रख रहे हैं पर हथियार चलाउणे नहीं भुल्ले। इत्थे 90,000 फौज एक सिख जरनैल दे अगे आत्म समर्पण कर रही है पैरों च हथियार रख के ये दुनिया की सब तो वड्डी घटना सी। और सच जाने उस आत्म समर्पण कराने के पिछे जिहड़ी मुक्तिबानी फौज की भूमिका सी उहदे पिछे सरदार जनरल शबेग सिंह जिहड़े उन्हां समयां दे विच मुसलमान बन के उत्थे रहे उस भेस दे विच रहे उन्हां समयां दे विच जिहड़ियां उन्हां परिवार नूं चिट्ठियां लिखियां ने उन्हां दे उपर शबेग सिंह नां नहीं सी आउंदा उत्ते लिखिया हुंदा सी एस बेग। एस बेग के नाते परिवार दी चिट्ठियां और पहली चिट्ठी उन्हें अपनी पत्नी नूं 4 साल बाद लिखी सी जदों पत्नी नूं यह भी नहीं सी पता कि वह कित्थे ने जिहदे उपर एस बेग लिखिया होया सी। और वह जनरल शबेग सिंह सी कि परिवार चों मैं पिछे जे जदों उन्हां दी परिवारक पिछोपड़ के उपर खोज कर रहा सी ते मैं हैरान रह गया कि महताब सिंह मीरांकोट जिन्हां मस्से रंगड़ का सिर वढ़िया सी उन्हां दा बेटा सरदार राय सिंह का बेटा सरदार रतन सिंह पंगू रतन सिंह पंगू के परिवार चो सरदार भगवान सिंह होनी तो उन्हों का पुत्रा जनरल शबेग सिंह एक किन्ना वड्डा खानदान सी असी दस ही नहीं सके एक केड़ी विचारधारा है जिहड़ी लगातार हुण ख्याल करो कि उस मस्से रंगड़ की जिहड़ी वह विचारधारा उहदे खिलाफ भी तो उही विचारधारा खड़ी है ना जिहनूं असी कहिंदे कि लगातार एक सार विकास की प्रक्रिया है उही है ना वह किसी रूप च भी होवे ते गुरु नानक सच्चे पातशाह की विचारधारा हमेशा खिलाफ खड़ी है जिथे भी मनुखता का कांड हो रहा है उन्हां नूं उत्थों कोर्ट मार्शल करके कढ दिता गया। एक सिख होण करके ना दोष की लाया तुसीं हैरान हो जाओगे कि उन्हां दे उपर दोष की लाया। वैसे तो मैं इस किताब च सारा जिक्र किया है दोष लाया कि उन्हां ने एक यूनियर ऑफिसर दे कोलों गिफ्ट लिया है। गिफ्ट पता की सी एक प्लेट। दूजा दोष की लाया इन्हां ने एक ट्रक की नीलामी सस्ते च कर ली है ट्रक की नीलामी तो सच जाने अज जो बोफर्स तोपां दे विच करोड़ां दी नीलामी हुंदी है किसी नूं दोषी नहीं ठहराया जांदा।
अज जदों फौज जिन्हां च फौजियां दीआं लाशां आउंदीआं ने उन्हां कफनां दे विच दलाली हुंदी है, वह डब्बियां च दलाली हुंदी, किसे नूं दोषी नहीं ठहराया जांदा। अज गावां दे चारे च दलाली हुंदी है, किसे नूं दोषी नहीं ठहराया जांदा। तो जनरल शबेक सिंह नूं दोषी ठहराया जांदा, क्यों? वह सिख है, होर कोई दोष नहीं, वह सिख है। फिर वह आउंदे ने ते इसे करके इहो जी, मैं उन्होंने कहा कि हीरो ऑफ फोर्टिफिकेशन, मैं इस किताब च ही शब्द वरत्या। कादे करके? क्योंकि जन मेजर इसरार खां लिखता है एक इंटरव्यू दे विच, वह खुद कहिंदा है, कहिंदा मैं हैरान रह गया, जनरल शबेक सिंह ने इस लड़ाई च जिवें दी मोर्चाबंदी कीती मैं कदी दुनिया की किसी जंग च सोच भी नहीं सी सकदा कि हो सकती है। उन्हें कहा कि इवें दी मोर्चाबंदी सी कि श्री अकाल तख्त साहिब परिसर का जिहड़ा दायरा है उन्हूं फौज ने अपने लफ्जां च किलिंग ग्राउंड लिखिया। उन्हें कहा कि लाल बिल्डिंग, दर्शनी डेड़ी ते श्री अकाल तख्त साहब दा सामने दा जिहड़ा हिस्सा है, कोई भी फौजी आया उत्थों वापस नहीं जा सकिया। उन्हूं किलिंग ग्राउंड लिखिया उन्होंने, वह फोर्टिफिकेशन, वह जिहड़ी तुसीं कह सकदे हो कि मोर्चाबंदी का कमाल। उस तों अगे आ जाने संत जरनैल सिंह की भूमिका। सब तो वड्डी गल, एक वारी गुरदर्शन सिंह ढिल्लों होना ने एक सैमीनार च गल की सी, मैनूं बड़ी वधिया लगी। कहिंदे ना तां मैं टकसाली हाँ, ना मैं टकसाल का विद्यार्थी हाँ, तो ना मेरा टकसाल ना कोई संबंध है, पर कहिंदा मैं संत जरनैल सिंह की इज्जत करदा। कहिंदा इक्को ही कारण है मैं क्यों इज्जत करदा, कहिंदा संत जरनैल सिंह की सेंस ऑफ प्रपोर्शनल, कहिंदा उहदी बहुत दूर सोचण दी जिहड़ी उहदी हैगी है ना मानसिकता, बहुत दूर अंदेशता, कहिंदा मैं उस चीज़ नूं सलाम करदा। गुरदर्शन सिंह ढिल्लों कहिंदे ने, कहिंदे मैं उस चीज़ नूं सलाम करदा कि उन्हां दी बहुत दूर जिहड़ी अंदेशी सी ना, वह बड़ी छोटी जिही उदाहरण दिंदे ने। कहिंदे संत जरनैल सिंह नूं इह पता सी ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੈਸਪੀਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੈਸਪੀਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਗਾਨਾ ਕਲਚਰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕੌਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਆਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਬੂਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀਬਰੋ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀਬਰੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀਬਰੋ 'ਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੌਣਗੇ ਪਰ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਛੱਡੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ,
असी उत्तों दूर जाते जा रहे हैं। पंजाबी बोली नूं भी असी हौली हौली अपने तो दूर करते जा रहे हैं। हुण तुसीं ख्याल करो कि संत जरनैल सिंह ने इसे चीज़ नूं सोचा कि किते कौम च डैसपीरेशन ना होवे। जहूदियां दीआं उदाहरणां असीं अज दे रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की किताब के विचों। संत जरनैल सिंह उदों इह गल कह रहे ने कि जेकर पंजाब दा पाणी पंजाब दे हक ना मिले तां फिर सानूं मैदाने जंग च जूझना पवेगा। ये समस्यावां अज साडे भी मद्देनज़र ने, पर उहनां दे जिहड़े हल ने असीं उहनां वल ध्यान देना कर दिता है। दूसरी गल सी जिहड़ा उसकी भी गल एक अंग्रेज विद्वान ने की है कि सहनशीलता ते मैदाने जंग दे विच सांझे निशाने लई इकट्ठे हो जाना। ये नहीं है कि साढ़े जिहड़ा साडा इतिहास है उहदे साडी जथेबंधक विरोधतावां नहीं रही, हमेशा रही। और करम सिंह सटोरियन ने इतों तक कह दिता है, कहिंदा कि जिउंदियां कौमां च हमेशा ही संमती भेद हुंदा, जिउंदियां कौमां च बहुत घट मुद्दों ते एकमुट हुंदियां ने, नहीं तो तकरीबन उमन च संमती भेद हुंदा। कहिंदा सिखां दा संमती भेद सरहद की दीवार के समय भी रहा, सिखां दा संमती भेद चमकौर की गढ़ी च भी रहा, गुरदास जंगल की गढ़ी च भी रहा। कहिंदा जिउंदियां कौमां की निशानी है। पर दूजे पासे जिहड़ा सिख च आपणापन है, जेकर असीं 18वीं सदी दे इक उदाहरण लैंदे हां, किले दे अंदर है सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, बाहर है रामगढ़िया, दोवें जस्सा सिंह ने एक सरकार के खिलाफ लड़ रहा, एक सरकार के वलों लड़ रहा। बड़े दिन हो गए राम राणी के किले पए नूं, उस घेरे के दौरान सब कुछ अन्न पानी सब कुछ मुक गया। हुण अंदरले सिंघां ने फैसला लिया, सरदार करम सिंह शहीद होना ने, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया होना ने, कि हुण गढ़ी का दरवाजा खोल दिए राम राणी का, हुण तां शहादतां पाउणियां ठीक है, जकारा छड्डिया। तो जिहड़ा बाहर जस्सा सिंह रामगढ़िया सी उहनूं पता लग गया कि जिहड़ा ये अद्धी रात नूं जकारा छड्डिया गया ना, इहदा मतलब हुण सिंघां ने शहीदी पाउण दा फैसला कर लिया। उहने इक तीर नाल चिट्ठी लिख के अंदर भेजी है, उहने कहा जस्सा सिंह ने लिख अरदास तीर बन भेजी सिंघन पास। उहने चिट्ठी च लिखिया, जिउंदिआं मेरे तुहाडे नाल मतभेद हो सकदे ने, सारे तुसीं जथेबंदियां नाल संबंधित बैठे हो वीर, हरिमंदर साहब च भी यह घटना वापरी, जथेबंधक मतभेद सी साढ़े। उन्हें कहा जिउंदिआं साढ़े मतभेद सी, पर हुण शहीदी दे समय साढ़ा कोई मतभेद नहीं, दरवाजा खोल देवो, असी शहीदी देण वास्ते तुहाडे अंदर आवांगे, नाल आवांगे। जस्सा सिंह रामगढ़िया भी किले के अंदर वड़ गया। तो जदों वह कट्ठे हो गए, पंथ प्रकाश का लिखारी लिखता, जस्सा सिंह जब अंदर वड़ा तुरकन के सिर पानी भरा, उन्होंने हारना पिया, क्योंकि जरनैल कट्ठे हो गए। जून 84 च भी यह वर्तारा इस तरह वापरिया, जरनैल साढ़े कट्ठे होकर लड़े ने, असी दस नहीं सके। तो जिन्ना चिर तक इन चीज़ों नूं असी संगत दे रूबरू नहीं करांगे, इन चीज़ों नूं नहीं दसांगे, उन्ना चिर तक जिहड़ी भविख की पीढ़ी है उन्हूं नहीं पता लगेगा। उस तो अगे गल आ जाती है इस किताब का एक अंश, वक्त मैनू दस दिओ जी, हैगे ने 5 मिनट हैगे ने। उहदे विच है संत जरनैल सिंह होणा दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वैसे तो सारिआं नूं पता शहादत होई, पोस्टमार्टम भी होया, पर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विचों निकल की रहा, वेखो किसी ने मैं नहीं बनाई जां तुसीं नहीं बनाई, उस सरकार दे डाक्टरां ने लिखी है। जिस डाक्टर ने पोस्टमार्टम कीता है उस पोस्टमार्टम की हूबहू कापी जिहड़ी है मैं इस किताब च लिखी है। उहने लिखिआ कि जिद्दियां भी गोलियां लगियां लैसीरेटिड इनवर्टिड ते एकीमोस्ट, तीन टर्मीनोलॉजी उन्हें दित्तियां। पहली गल तो जिथों भी गोलियां लगियां मास जिहड़ा अंदर नूं मुड़िया होया इनवर्टड, एकीमोस्ट आले दुआले नीला निशान है, एक है दूजा कि लैसीरेटड खून भी ज़्यादा बया है। वह तीन चीज़ां ये जिहड़ियां ने एकीमोस्ट लैसीरेटड ते इनवर्टड मार्जिन, ये गोलियां उदों ये निशान पैदा कर दियां ने जदों गोलियां दे हैड कोनिकल होण, वड्डे हथियार दियां गोलियां होण ते दूरों मारियां होण। जेकर नेड़ियों गोली वजे तो वह बर्नड इंजरी करती है, गर्म गोली होने करके आला दुआला सड़दा है। सो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिहड़ियां 14 गोलियां उन्होंने वजियां ने वह सारियां सामने मत्थे शहीद होनी वजियां ने, सामने मत्थे मुकाबला करते हुए शहीद होए ने, और बहुत दूर तो लगियां ने। यह मैं इस करके दी कि कुछ पिछे जे एक विचारधारा भी जन्म लै रही थी कि शायद संतों को फड़ के टॉर्चर करके शहीद किया गया, नहीं, जिहड़ी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो कहती है कि बिल्कुल घमसान का मुकाबला होया, उस घमसान के मुकाबले दे विच ये गोलियां दूर तो लगियां, तेज मार वाले हथियार दियां ने, गोलियां कोनिकल हैड ने, तो जिहड़ियां गोलियां 14 ने जिहड़ियां उन्हां दे लगियां। तो इस तरह उन्होंने 6 जून करीब 8:30 तो 9 बजे के दरमियान
शहादत जिहड़ी सी ओह दित्ती। सो इह समुची किताब का सार अंश है, इस करके है कि इस किताब नूं मैं जिथों प्रोफेसर साहब ने गल की सी मैं इनू पांच छे हिस्सों च वंडिया है कि जून 84 के कारण की सी, उच निरंकारी कांड तो लैके तो आनंदपुर साहब का मता, फिर इनू परिभाषित एक लुकारा किवें है वह इहदा दूसरा हिस्सा है किताब का। तीसरी गल है कि संत जरनैल सिंह ते भाई फौजा सिंह ते होर सिंघां दी उस समय शख्सियत किवें दी सी जिन्हां ने एडी वड्डी लहर नूं खड़ा कर दिता। उस तो बाद है कि इस समय दौरान वापरिया की, मेरिया भैणां बैठियां ने एक गढ़वाली फौजी की मैं अमृतसर की कोर्ट के गवाही का जिक्र किया, उन्हें अमृतसर की अदालत के गवाही दी है जदों बाद दे विच केस चलता रहा ना, वो गढ़वाली फौजी 26 मद्रास रेजिमेंट का गढ़वा 16 गलवाड़ का गवाही देने वास्ते आया सी। उन्हें कहा कि बाबा दीप सिंह वाले पास्यों सानू अगे नहीं सी आउण दिता जा रहा, इन्नी ज़्यादा फायरिंग हो रही सी, कहिंदा बड़ी फायरिंग हुई, कहिंदा असी अगे ना वध सके, कहिंदे फिर असी एक गैस डिस्पेंसर उपर सुट्टिया बेहोश करन वाला, कहिंदा वह गैस डिस्पेंसर काफ़ी समय बाद कहिंदा साढ़े कई बंदे मारे गए, जदों गैस डिस्पेंसर उपर जाके वजा तो फिर जिहड़ा भी कोई उत्थे फायरिंग कर रहा होवेगा वह बेहोश हो गया। कहिंदा असी उपर चढ़े तो जाके की वेख्या कि एक 20-22 साल की बीबी लाइट मशीन गन लैके फौज का मुकाबला कर रही थी, जिसनों पिछों गोलियां मार के कहिंदा मेरे साथी ने मारिया, इहदी कोर्ट के गवाही है। तो एक छोटी गल है, उत्थे बीबियां ने भैणां ने मुकाबला किया। सो एक तो हिस्से च मैं ये दस्या कि किस तरह बीबियां ने भी मुकाबला किया, वह बीबियां जिन्हां दीआं गोदां दे विच शहीद होए बच्चे पए सी, ते वह बच्चे जिन्हां दीआं मातावां शहीद हो चुकियां सी पर वह मरिया पईआं मावां दा दुद्ध चुंग रहे सी, वह समय दीआं उस समय दीआं गवाहियां ने जो कुछ उन्होंने वेख्या। अखीरले पाठ दे विच असीं की करिए कि कौम दे भविख दा चिंतन किवें करिए, सो इस किताब दे विच यही कोई सी वक्त समापत है ताकि असी अपने भविख का चिंतन कर सकी। जेकर 30 साल हो गए ने तो मैं धनवादी इत्थे समूह जथेबंदियों संबंधित वीरां दा कि कम से कम जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा चिंतन की प्रक्रिया तो शुरू हुई है, संघर्ष तो अपनी चाल दे नाल चलते रहिंदे ने, पर जेकर उहदा चिंतन होना शुरू हो जाए तो फिर यह हुंदा कि असी नफे नुकसान जरूर उन्होंने विचारना शुरू कर दिंदे आ। सो सारे जथेबंदे वाले वीरां दा गुरद्वारा दे प्रबंधक साहिबान दा बहुत बहुत धन्नवाद। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान, फतेह दी सांझ कोई रसना वांझी ना रहे, गज के आख्यो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये सन डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदू के जिन्हां ने बहुत ही वडमुल्ले विचारां दे नाल आप जी नूं जो साढ़े नाल 30 साल पहला दुखांत वापरिया और 30 साल तो बाद भी लगातार अज के दिन तक सिख कौम संघर्ष कर रही है अपने हकों के लिए, उसका संपूर्ण चिंतन करके बड़ी खूबसूरती दे नाल आप जी दे नाल विचार सांझे किए हैं। डॉक्टर साहब देखो यही एक गल हुंदी है कि जिहड़ा बुलारा है सब तो पहला उसने खोज किन्नी कीती हुई है और खोज करन तो बाद संगत दे विच उन्हां विचारां नूं जिहड़ी एक पेश करने की भी जो एक तहजीब या एक जो कला है वह भी एक बहुत मायने रखती हुंदी है विचारां नूं प्रगट करने दे लई, और डॉक्टर साहब इस चीज़ नूं बहुत खूबसूरती दे नाल पेश करते हैं। डॉक्टर साहब विचार कर रहे सन कि सिख कौम ने जो एक घल्लूकारा वापरिया इस नूं डिफाइन नहीं किया, डिफाइन घल्लूकारे नूं तां सिख कौम ने की करना सी, इन्ना दर्द इन्ना सब कुछ इन्ना मनुखता का कहान अपना वडमुला खजाना लटा के सिख कौम ने अज अपने दुश्मन नूं ही हजे तक डिफाइन नहीं किया। सिख कौम उस प्रक्रिया विच चल रही है कि घोर अंधेर जंगल दे विच जा रहे हैं, तो सब तो अगे जिसनों किया होया है वह एक अन्ना है, तो अन्ने ने भी अपनिया कालिया ऐनका अखा के उपर लाइया हुई है, तो सिख कौम लाइन बन के उदे मगर तुरी जा रही है, तो वह अन्ना भावें सिख कौम नू खड विच सिट दे चाहे उसनू जंगल दे विच पटका दे तो चाहे कोई नुकसान हो जाए। सिख कौम ने अज जिस सियासी लीडरशिप नू चुनिया होया है ये सियासी लीडरशिप ही जो अज दुखांत डॉक्टर साहब ने इत्थे वर्णन किया, जे सिख कौम अज वो दुखांत नू भुल रही है तो उस लीडरशिप की वजह दे करके भुल रही है। जदों उही लीडरशिप जिहड़े डॉक्टर साहब कह रहे सी कि जिहड़े हिंदू राष्ट्रीय संघ दे लीडर सिख कौम नू कह रहे आ कि सिख हिंदू कौम का हिस्सा हन, उन्हां लीडरां नू सिख कौम
अपने बड़े बड़े समागम शताब्दियों के जो सन्मानित करती है तो उत्थे सिख कौम कित्थे जाएगी। सिख कौम ने अपना दुश्मन डिफाइन नहीं किया, जिहड़े दुश्मनों ने 30 साल नौजवान साढ़े मारे, जिहड़े अयार आलम वर्गे, जिहड़े बाबा शहीद गुरद्वारा साहब जिहड़ा हरिमंदर साहब तो बिल्कुल कुछ ही दूरी पर है, स्पीकर लैके सिखां नूं गालां कढ़दा हुंदा सी अपने संतोख सिंह काले वर्गे कैटां नूं ते होर कैटां नूं नाल लैके, जिहड़ा गंदियां गालां मावां भैणां दीआं सिखां नूं कढ़दा सी उत्थों स्पीकर ला ला के, अज उस यार आलम नूं सिख कौम ने अपना आगू मन्निया होया है ते असीं इंसाफ दी मंग किहदे कोलों करने दी आस रख के बैठे हाँ। सिख कौम नूं इह वी चिंतन करना चाहीदा कि साडा असल दुश्मन कौन है, ते जिहड़ी डाक्टर साहब मेरे वड्डे वीर ने गल कीती सी मीरी पीरी दे सिद्धांत दी, जिस सिद्धांत नूं लैके संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवालिया ने अकाल तख्त नूं अपना केंद्र बिंदु बनाया संघर्ष दा, और यह वचन किया कि मैं जां शहीद होवांगा जां सिख कौम नूं उसके हक लैके दवांगा, मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं मुख रख के उन्हें उत्थों मोर्चा लाया। तो अज सिख कौम नूं यही नहीं पता कि मीरी पीरी का सिद्धांत की है, वो जां तां असीं उस मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं अज एक शख्सियत ते लिया के खड़ा कर दिता है। अकाल तख्त दा सिद्धांत मीरी पीरी दा सिद्धांत है, ना कि जिहड़ा उत्थे गुलाम किसे नूं भी मौजूदा पंजाब दी लीडरशिप उत्थे अपने गुलाम नूं उत्थे रख दिंदी है, ते ओह गुलाम तुहानूं किहड़ा सिद्धांत उत्थे किहड़े हक तुहानूं उत्थों लैके देगा। असीं आम जज्बाती होके कह दिंदे आ कि मैं अकाल तख्त नूं समर्पित हां, पिछे मैं मीडिया दे उप्पर बड़ियां डिस्कशनां कीतियां, भाई राजोवाले ने गल कही सी मैं अकाल तख्त नूं समर्पित हां, ते जणा हर सिख उत्थे कहण लग पिया मैं अकाल तख्त नूं समर्पित हां, पर अकाल तख्त नूं समर्पित हां ते किहनूं समर्पित हां? एक उत्थे गुलाम नूं जिस बंदे दे कोल कोई पावर ही नहीं सिख कौम नूं सेध देने दी, कमीरी पीरी दे सिद्धांत नूं समर्पित हां उत्थे असीं, इस चीज़ की भी डिफाइन करना साडे लई बहुत वड्डी जरूरत है, अज समें दी मुख है। दूजा, डाक्टर साहब अज अपनी किताब रिलीज़ करन आए आ साडे कोल इत्थे, फेसबुक ते असीं सारे ही जुड़े हुए हाँ, पिछे जे फेसबुक दे उपर एक कमेंट आया, एक फोटो बनी हुई सी कि एक बूट आउंदे आ 1000 रुपए दे ते किताब आउंदी आ 100 रुपए दी, उत्थे दोनों लिखियां सी, एक पासे किताब बनाई सी ते एक पासे बूट बनाए हुए सी, ते उन्हीं लिखिया कि थल्ले लिखिया कि सिख कौम उत्थे वे लिखिया कि इहदा मतलब जुत्तियां नूं ही प्यार करन वाली सिख होई ना, फिर सिख किताब नहीं पढ़दे, 100 रुपए दी ते 1000 रुपए दे बूट पाउंदे आ, किसी ने एक शुगल दे विच, लेकिन उस शुगल दे विच बहुत डूंगी गल छुपी हुई सी, फिर सिख जिहड़े आ उह जुत्तियां नूं ही प्यार करन वाले आ, उह किताब नूं प्यार करन वाले नहीं हैगे। ते इस करके असीं किताबां नूं प्यार करना सिखीए, किताबां दे विचों ही सानूं सेध मिलनी आ। ते इन्नियां क बेनतियां मैं करदा होया, समां ना ज़्यादा लम्मा, मैं हुण इस प्रोग्राम नूं अगे करदा होया अपने सत्कारयोग साडे डाक्टर साधु सिंह जी जिहड़े यूके तो साढ़े इस समागम दे विच विशेष रूप विच साढ़े विच शामिल होण वास्ते आए हन। डाक्टर साधु सिंह जी ने भी यूके दे विच बहुत वडमुला योगदान सिख राजनीति दे विच, सिख चिंतनता दे विच, ते अज जिहड़ा साढ़े कोल एक बहुत वड्डा मीडिया है सिख चैनल, इस दे विच भी उन्होंने अपना बहुत वड्डी भूमिका निभाई है। डॉक्टर साहब नूं मैं बेनती करदा हाँ कि उह स्टेज दे उपर आउण ते 5-6 मिनट वास्ते संगतां दे नाल रूबरू होण। डॉक्टर साधु सिंह जी इंग्लैंड तो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की। सत्कारयोग खालसा जी, सतगुरु जी बख्शे फते सांझी करिए, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ये जून ने भुलनी इंदिरा भावें भुलनी चाहिए, ये जून ने भुलनी इंदिरा भावें भुलनी चाहिए, हरिमंदर दी होई बेअदबी ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਬਖਸ਼ਾਈਏ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗਿਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਅਤੇ ਮੱਸੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈਏ ਹੈ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਅਤੇ ਮੱਸੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਹੇ, ਸਕਾਲਰ ਰਿਸਰਚਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ,
भावें 130-131 किताबां लिखिया गई ने पर उन्हां दे विच एक पक्ष पारू है जां ओ साडा पक्ष पारू है जां दुश्मनां दा एनालिसिस जिहनूं कहिंदे ने एनालाइज करना घट ही कीता गया अबराड़ दे उत्ते जिन्हें इंग्लैंड दे विच जदों पिछे जिहे थोड़ी चिरीटी लगी सी ते उन्हां नूं 55 साल की सज़ा हुई है उन्हें भी किताब लिखी है कहिंदा इस करके अटैक किया कि अकाली दल ने कहा कि अनाज बंद कर देवो बाहरली स्टेटां नहीं देना तो उन्हें पूछने वाला हो कि सारा अनाज पंजाब दा हरिमंदर साहब अकाल तख्त रख्या होया सी उत्थे अटैक किया है कि सारी कणक उत्थे पई सी तरह तरह के अनुमान लाए गए ने अते समा मंग करदा सी कि एहो जी पुस्तक सामने आवे मैं डॉक्टर साहब ने पूछा सी कि किताब 1984 में तुहाडी उम्र किन्नी सी कहिंदे मैं 13 साल दा सां ते फिर जो तुसी लिखिया है ये कित्थों लिखिया हड्डी हड्ड बीती तो है नहीं कहिंदे मैं सारिआं दी जित्थों भी कोई मिलिया है उन्हां दी कोटेशन दित्ती है उन्हां दे नां दित्ते ने चुराया नहीं जिथे मैं अपने वालों लिखिया वह मेरे अपने शब्द ने दलील ने अते एहो जे किताब की लोड़ सी जिहड़े कारण कित्थों चले आ किद्दां होया अते जिहड़े महान नायक सन जिन्हां नूं बदनाम किया गया सी सन जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले जनरल सुवेग सिंह वर्गे फौजा सिंह वर्गे उन्हां दी असली शख्सीयत प्रगट करनी अते उस तों बाद चिंतित करना कि अगाह करना की है ये तो सारे ही जानते हैं घल्लूघारा हो गया पर हुण उस मोड़ ते खड़े हाँ सानू कोई सोच देने वाला कोई तैयार नहीं कोई है नहीं कोई दिसदा नहीं आ लीडर की गल हुई है सारे जानते हो अते मैं डॉक्टर साहब नूं पुछिया सी एक लाइन दे विच दसो कि किताब लिखण दा की मकसद सी कहिंदे मैं किताब इस करके लिखी है बड़ी सरल पंजाबी दे विच कि अजकल दा नौजवान पढ़ के इस सोचण लई मजबूर हो जावे कि अगाह की करना है आ मकसद सी किताब लिखण दा हिस्टरी पढ़ लई है पर सोच पैदा करनी है कि अगाह की करना है सो डॉक्टर साहब जी का पिछले जे पिछले हफ्ते तुसीं पिछले हफ्ते लंडन सन उतों इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज़ की है जनरल जोरावर सिंह के उत्ते उन्होंने एपीसोड 2-3 देख भी चुके हो सिख चैनल के जरिए अते जो ये विचार लैके तुरे ने एक चीज इन्होंने मन में उठी है दिल में उठी है किदा इन्हों डॉक्टरी है मैं क्या तुम डॉक्टर हो मैं आप इन्हों जो रिसर्च सेंटर देख के आया सोहना काम कर रहा रोटी पानी सोहनी खाते ने तो क्यों इधर तुर पे हो उन्होंने तुहानू अगे दस भी चुके ने एक बंदा बहादुर की फोटो उन्होंने टेलीफोन के बूथ में लगी देखी सी जिथे बंदा बरागी बना दिता से उतों तुरे ने आर एस एस किताबा पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के किदा साडा इतिहास गुंदलाया जा रहा है याद रखियो जे किसी कौम को खत्म करना हो तो वह इतिहास खत्म कर दियो असी व्यसले हाँ असी सुते पे हाँ वह बीड़ा इन्होंने चुकया इन्हों की छोटी जी संस्था है वह ना इतिहास रखिया पंचादवीर ने सारे प्रोफेसनल ने आपो अपना काम कार करते हैं पर उन्होंने समा कढ़ के सोहना रिसोर्स सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने उत्थे बैठ के आ काम करते हैं कि जिथों कितों भी इन्हों पता लगता है कि कोई सिख कौम का इतिहास बिगाड़िया जा रहा है जां कोई खिलाफ गल लिखी है उत्थे रिसर्च करके उन्होंने मुकाबले ते डिबेट भी करते हैं जिहड़ा साढ़े विचों मुद्दा खत्म हो गया कि असी टेबल टॉक दे किसी नाल बहस कर सकीए आ भी पैदा करना अपने नौजवानों के विच इह तां ही पैदा होगा जे कदी असी इतिहास तो जाणू होईए अते उस तो उपरंत
किताबा अते हुण डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्योंकि जो युग मीडिया है साढ़े बच्चे उही देखते हैं जो उही करते हैं जो टैलीविजन पर देखते हैं। सो इन्होंने जनरल जोरावर सिंह की वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिख चैनल के उत्ते रिलीज़ कर दी है, बड़ा शलाया गया। अते उस तो उपरंत होर भी ये लहोजे प्रोजेक्ट लैके आ रहे हैं। मकसद सिर्फ इको ही है कि मेरी कौम के बच्चे उन्होंने मैं इतिहास अपना सच्चा इतिहास उन्होंने समझा सका। सो धन्यवाद है जितना भी धन्यवाद कर सकीए। इन्होंने खास करके इन जथेबंदी का सहायता भी देनी है, पर सहायता तो बिना मॉरल सपोर्ट अपनी ज्यादा है। सहायता देने वाले बतेरे बैठे, भाई गुरमीत सिंह ने कहते कल ने कहते मैं वह फिल्म स्पोंसर कर दिता, आ किताबों की गल हुई सी, बथेरे बैठे ने अपने तनाट कर देंगे ने, पर इन्होंने नाल लैके इन्हों तुरना इन शाबाश देने नाल तुरना इस रस्ते उत्ते अपना फर्ज बनता है। सो अज आप किताब जो 19 जून 1984 तीजा घल्लूघर वो रिलीज़ करनी है, वो वास्ते समागम विशेष तौर के उत्ते रखे हुए ने सिख चैनल वालों असं इतने पहुँचे हाँ। सो मैं बेनती करांगा कि प्रोफेसर तरलोक सिंह जी आ जा स्टेज उत्ते कि इन्हों की किताब 1984 तीजा घल्लूघर वो जो इन्हें बड़ी मेहनत ना की है वो बारे दस दिता है की लिखा हुआ है, अते ओ मैं बेनती करांगा प्रोफेसर साहब जी नूं आ करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस किताब नूं रिलीज़ करन दे विच जिहड़ी मेरी मैनूं माण दिता है इस राइटर ने, इस खोजी भरा ने, उस माण नूं मैं रखदे होया सारी साध संगत नूं बेनती करूँगा ये किताब नूं पढ़ियो, इनू विचारियो ते इनू फिर बाकी दे भैन भरावां नूं अगे भी देवियो ताकि और अपने बच्चों नूं समझायो जरूर भी इस किताब दे विच की लिखिया है। इन्होंने बड़ी सरल पंजाबी दे विच सानूं सारा एक्सप्लेन करके दिता होया है। सो यह वाली किताब अज रिलीज़ की जा रही है ते मैनूं इस चीज़ की बड़ी खुशी है और मैनूं इसका माण भी बहुत। किताब 1984 तीजा घल्लूघर दुखांत अते चिंतन बड़ा ही सरल पंजाबी दे विच अते इन्हों चैप्टर वाइज वंड के फोटोआं समेत खास करके संत बाबा जरनैल सिंह जी दी जिहड़े बड़े भुलेखे पाए गए सन कि संत शहीद नहीं होए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हां दी जिहड़ी असली है उहदी कापी दित्ती है अते उन्हां बारे सारा उन्हां दा पिता कौन सी कित्थों सी किद्दां गोलियां लगियां ने उन्हां दे निशान ने, क्योंकि सदा ही दुश्मन दा हुंदा है कि जिहड़ा नायक होवे उहनूं उहदी शहीदी नूं रोलिया जावे। सुभाष चंद्र जो बोस नूं जिद्दां होया संतां दी शहीदी नूं रोलिया गया क्योंकि अगर वह डिकलेयर हो जाते तो इत्थे हर साल लखां दा इकट्ठ होना सी, डर सी। इस करके प्रोफेसर साहब जी ने डॉक्टर साहब जी ने ये सारे एक कैटलॉग किया है। ये किताबा इतों भाई गुरमीत सिंह जी बाद इतने शायद स्टाल भी लाएंगे इतों तुम्हें मिल गई, जो ना मिली तो डॉक्टर साहब अपने कोल ने हाले दो तीन होर हफ्ते। भी खुशी की गल है कि रिलीज होने तो पहला जो इंग्लैंड तक पहुँचे यह दो हफ्ते पहला उदों तक पहला एडिशन खत्म हो गया रिलीज होने तो पहला। कहते हैं असं किताबा पढ़ता नहीं, पढ़ वाले मटीरियल होवे तो लोग पढ़ते हैं। इन्होंने हुण दोबारा फेश पाई है तो ये मैं बेनती करांगा खास करके आप तकरीबन सारे पंजाबी पढ़ने वाले हैं ये पढ़ के आपो अपने बच्चों भी गांह दसना है भावें जर्मन में ने इन्हों की फौज हौसला अफजाई भी करनी है। सो मैं
इत्थे दी प्रबंधक कमेटी का सारे प्रबंधक सज्जणां का सिख चैनल वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा। खास करके डॉक्टर साहब आए ने, भाई गुरमीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, प्रोग्राम की समाप्ति है। हुण साढ़े कोल जिहड़े साढ़े कोल विशेष रूप के विच इत्थे साढ़े कोल मेहमान पहुँचे हैं, उन्होंने असी सन्मानित करांगे समूह साध संगत जी वालों, इस गुरद्वारा साहब वालों। तो नाल ही धन्यवाद है इस गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी का, जथेदार सतनाम सिंह जी बब्बर हुणी, जिन्होंने बहुत उपराला किया इस समागम को सिरे चाढ़न लई। साढ़े कोल जथेबंदियों के सत्कारयोग मुखी पहुँचे हुए हैं, जथेदार रेशम सिंह जी बब्बर, भाई गुरमीत सिंह जी खनियाल, बाबा सोहन सिंह जी कंग। साढ़े कोल फ्रांस तो भी विशेष रूप के साढ़े सत्कारयोग वीर भाई रघबीर सिंह जी, भाई कश्मीर सिंह जी, भाई चैन सिंह जी, भाई रोलदा सिंह जी, भाई अमरजीत सिंह जी हुणी साढ़े कोल पहुँचे है, भाई मिंदर सिंह जी हुणी ड्यूसबर्ग तो विशेष तौर पर साढ़े कोल इत्थे अज पहुँचे हैं अपने साथियों नूं नाल लैके। और असी पूरी समुची जो सार संगत मेरिया सत्कारयोग पहना, जिन्होंने बहुत ही सत्कार के नाल अज इस प्रोग्राम के जो भी विचार होए उन्होंने सरवण किया, थोड़ा सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नौजवान वीर बाहर रसोई के बाहर खड़े हैं, उन्होंने वीर ने कल तो लैके अज हुण तक लंगर हाल के बहुत वडमुली सेवा की है, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करता हाँ गुरु घर के वजीर साहबान को कि वह आए हुए मेहमानों सरोपा देन। मैं सब तो पहला बेनती करता हाँ डॉक्टर साधु सिंह जी हुणां नूं कि वह स्टेज के उपर आ। बोले सो निहाल अकाल। हुण मैं बेनती करता हाँ साडे सत्कारयोग वीर डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदों के कि वह स्टेज के उपर आ। बोले सो निहाल। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, इत्थे ही प्रोग्राम की समाप्ति है। सारिया संगतां दे चरणां दे विच बेनती है कि गुरु का टुट लंगर तैयार है। मैं विशेष रूप दे विच एक बारी फिर सिख चैनल यूके का धन्यवाद करता हाँ। इस चैनल ने पिछले चार सालां दे विच सिख कौम की बहुत वडमुली सेवा की है, उन्हां दी जो टीम इत्थे साडे कोल आई है उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सारी साध संगत ने लंगर छक के घरां नूं जाना है। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।